संकट में शहर, गांव में कहर, ये हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश के ताजा हालात बता रहे हैं। योजनाओं की हकीकत बता रही है, गांव में कोरोना ना फैल सके इसके लिए प्रदेश भर में ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिसका मतलब है ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिस तरह योजना की हवा निकाली जा रही है, उससे कहना पड़ रहा है कि संकट में शहर, गांव में कह। किसी को बुखार तो नहीं, गर्मी आ सांस लेने में दिक्कत ना, और घर में किसी को परेशानी? बिन तैयारी कागजों में अभियान जारी। ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जीत का दावा। ना मेडिकल किट, ना सुरक्षा के इंतजाम। कुछ भी नहीं मिला वहाँ। और ग्लव्स और मास्क कितने दिए गए? एक दिया गया, नहीं दिया गया। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास से रखते हैं। कोरोना बेकाबू है, हर दिन सैकड़ों की तादाद में जिंदगियों का शिकार कर रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए योजना दर योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसमें 5 मई से प्रदेश सरकार ने हर घर को चेक करने वाले अभियान की शुरुआत की। दावा है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना को हराने के लिए उठाए गए इस कदम पर कोई शक भी नहीं है। यही हमको बताया गया था कि हम जब अगर कोई बताता है कि हमारे बुखार आ रहा है तो उसको मतलब उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम नोट करके हम अपने सुपरवाइजर को देते हैं। सुपरवाइजर वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब को देती है, तो वहाँ से किट मिलती है, वहीं चेक करने के लिए लोग आते हैं, वो चेक करते हैं। इरादा है कि शहरों के बाद गांव-गांव में कोरोना ना पहुंचे, वरना हालात और भी बदतर हो जाएंगे। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में घर घर अभियान चलाया जा रहा है। 5 मई से ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत हुई। सैकड़ों आशा बहुओं की टीमें बनाई गईं। एक टीम को एक दिन में 50 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। सांस की दिक्कत, सर्दी और जुकाम वालों को चिन्हित किया जाता है। रिपोर्ट मिलने पर CHC से एंटीजन टीम कोरोना की जाँच करती है। कोरोना की रोकथाम के लिए इस बेहतरीन अभियान की स्वास्थ्य विभाग किस तरह से हवा निकाल रहा है, वो भी समझ लीजिए। अभियान के नाम से ही जाहिर है कि घर घर में लोगों से पूछताछ होगी, और अगर कोई शख्स बीमार निकलता है तो उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी, फिर उसे इलाज के लिए दवा की किट दी जाएगी और उसे होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ये सारे दावे सिर्फ कागजी शेर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के नाम पर जिन आशा बहुओं को गाँव-गाँव भेजा जा रहा है, उनके हाथों में कोई मेडिकल किट नहीं दी गई है। वो सिर्फ सरकारी सर्वे की तरह लोगों से पूछताछ कर अभियान की खानापूर्ति ही कर पा रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें लोगों को देने के लिए मेडिकल किट दी ही नहीं है। आज तीसरा दिन है सर्वे का, आप लोगों को कोई मेडिकल किट दी गई? कुछ भी नहीं मिला वहाँ। और ग्लव्स और मास्क कितने दिए गए? एक जोड़ी गया, वो समझ रहा था, एक मास्क मिला। सैनिटाइजर दिया गया कि नहीं दिया? सैनिटाइजर भी नहीं, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास से रखते हैं। अच्छा, जिससे आप लोग सर्वे कर रही हैं, तो कुछ इस तरह के केसेस मिले हैं जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत लोगों ने की हो? सर मिले तो हैं, लेकिन किसी ने कुछ बताते हैं, कुछ बताते भी नहीं हैं, छिपा लेते हैं। जो आपकी आशा संगनी है, वो आपसे, उन्होंने भी आपको कोई किट नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं। चिन्हित बीमारियों की मेडिकल किट तो दूर की बात है, जान जोखिम में डालकर अभियान का मकसद पूरा करने में जुटी आशा बहुओं की सुरक्षा का भी स्वास्थ्य विभाग को कोई ख्याल नहीं है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट अभियान की हकीकत दिखाती ये तस्वीरें उन्नाव जिले के कुछ गांवों की हैं, जबकि अधिकारियों के दावे और सरकारी फाइलों में अभियान जोर शोर से चल रहा है। 5 मई को 93,000 से ज्यादा घरों की जांच हुई। जांच में 229 लोगों को चिन्हित किया गया,
जांच में दो लोग पॉजिटिव मिले थे जिन्हें होम आइसोलेट किया गया। 6 मई को 1,888 घर चेक किए गए जिसमें 234 लोगों को चिन्हित किया गया। इनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। 9 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। शासन से आदेश है कि हर दिन आशा बहुओं को 6-6 मेडिकल किट दी जाएं, लेकिन जिलों तक यह आदेश पहुंचते हर आशा बहु को एक मेडिकल किट में तब्दील हो चुका है, जबकि सर्वे करने वाली आशा बहुओं को एक भी मेडिकल किट स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा है। उन्नाव के सीएमओ के दावे में भी सर्वे बेहद तेजी से जारी है। ये अभियान में बस हमको ये देखना है कि ग्रामीण स्तर पर अगर इस तरह से लक्षण वाले व्यक्ति मिल रहे हैं तो उनकी जांच कराएं और उनको आशाओं द्वारा जो किट दी गई है एक मेडिसिन की, वो प्रत्येक आशा को एक किट पर डे देने का रखा गया है। ये आंकड़ों से लिया गया है कि प्रतिदिन जो एक आशा चल रही है उसको एक किट अपने भ्रमण में एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको उसको दवा देनी है, उसको दवा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावे एक तरफ हैं, तो जान जोखिम में डालकर घर घर कोरोना का सर्वे कर रही आशा बहुओं की हकीकत दूसरी तरफ। इन तस्वीरों का मतलब साफ है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार चाहे कितनी भी बेहतरीन योजना बना ले, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी उन योजनाओं की हवा निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी योजनाओं की तरह ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जैसी बेहतर योजना भी सिर्फ कागजों और दावों तक ही अपना असर छोड़ पाएगी और लोगों की जान जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल भर साबित हो रही है। उन्नाव से आशीष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।